चलिए आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही हेल्दी लड्डू, तीसी का लड्डू। इसको फ्लैक्सिस भी कहते हैं और अलसी भी कहते हैं, बाकी और भी जगह पे इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो अभी इसको बनाने के लिए हम लोग कढ़ाई में डालेंगे, डाल के इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। घी नहीं डालना है इसको, बिना घी के ऐसे रोस्ट करना है, सूखा रोस्ट कर लेंगे। ये तो ऑलरेडी ब्राउन है तो इसलिए इसको आप कैसे, जैसे ये चिटकने का आवाज़ आने लगी जब इसमें, तो समझ लीजिए कि अच्छे से पक गया, या फिर एक दो दाने डाल के टेस्ट कर लीजिए। जैसे हम लोग जीरा डालते हैं उसमें घी में, जैसे इस तरह से जिस तरह का आवाज़ आता है ना, तो फिर ये जब अच्छा सा पक जाता है तो उसी तरह का इसमें ऐसे चिटकने का आवाज़ आता है थोड़ा सा। तो अभी आप इसको फिर हम लोग मिक्सी में डाल के पाउडर कर लेंगे इसका। पाउडर करने के बाद में फिर कढ़ाई में थोड़ा घी डालेंगे और सारा ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करके उसको साइड में रख लेंगे और फिर उसके बाद में इसमें गुड़ डालेंगे। थोड़ा सा घी रहेगा पहले से ही, गुड़ डाल लेंगे। गुड़ को सिर्फ गलाना है उसका, वो नहीं बनाना है, जैसे चाशनी नहीं बनानी है, बस खाली गुड़ को गला देना है। बस गला के इसमें वो पाउडर को डाल देंगे, जो फ्लैक्सिस का पाउडर डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, रोस्टेड तेल डालेंगे थोड़ा, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा घी डालेंगे। डाल के इसको बढ़िया से पूरा अच्छे से मिला लेंगे और बस इसका लड्डू बना लेंगे। विंटर के टाइम में बहुत ही सब खाते हैं क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर आप ट्राई करिए।